हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 3 तारीख का और अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग 4 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं अपना दोपहर का जो भी काम था वो सब कुछ ख़त्म करके और बैठ गई हूँ सारे कपड़ों को ले करके उनको घड़ी करने के लिए। ये वही कपड़े हैं जो मैं संडे के दिन धुली थी, तो फाइनली ये आज 2 दिन के बाद सूखे हैं। बहुत टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश होती ही जा रही है और फैन में इतना जल्दी तो कपड़े सूखते नहीं हैं, तो बस इसीलिए इनको इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और फाइनली आज मैं सारे कपड़े लेकर के बैठ गई हूँ सभी को घड़ी करने के लिए। और इन कपड़ों में से ना थोड़ा थोड़ा सा मुझे सीलन सी लग रही थी, तो जिस दिन धूप निकलेगी तो ये बेडशीट वगैरह मैं फिर से डाल दूंगी, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी नमी सोख लेता है वो कॉटन का कपड़ा, तो इसलिए मैं जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन ये बेडशीट और जो भी कॉटन के कपड़े हैं इन सभी को मैं फिर से बालकनी में डाल दूंगी। तो चलिए फटाफट से इन सारे कपड़ों को घड़ी कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े खड़ी करने में ना थोड़ा सा मुझे बोरिंग सा लगता है ये काम, और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रखे थे छोटे बड़े करके। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री बैठी हुई थी क्योंकि इस टाइम पे कोई काम होता नहीं है, तो वही मैंने सोचा लगातार इन कपड़ों को मैं तह लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत सारे कपड़े वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। और फ्रेंड्स, आप सबसे कुछ पूछना था कि इस रूम में आप सबको कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि नहीं, क्या बदलाव लग रहा है आप लोग नोटिस कीजिएगा, और क्या बदलाव लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। और चलिए फ्रेंड्स, अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पर मुझे रात का जो भी खाना बनाना है आज मुझे बनाना है गिलकी की सब्ज़ी। और इस गिलकी की सब्ज़ी को ना कट करने में बहुत टाइम लगता है और इसको पकाने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है तो फिर इसको पकाने में भी टाइम लग जाता है। तो वही मैं थोड़ा पहले ही ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाती है फिर। तो अभी मैं कपड़ों का काम ख़त्म करते ही यहाँ पर आ चुकी थी सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए, और शाम का टाइम था तो शाम को जैसे दियाबाती होती है तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर जो भगवान हैं जो मंदिर में उनकी पूजा इस टाइम पे नहीं की जा रही है। तो ऐसा मानते हैं कि जिनके घर में पितृ देवता आते हैं तो उनके घर में फिर 15 दिन ये वाले भगवान की पूजा नहीं होती है, तो इसलिए मैंने शाम को दियाबाती वगैरह नहीं की है। और बस फटाफट से सब्जी को कट करके और सीधा इसको रख दूंगी पकने के लिए। तो सब्जी मेरी पक रही है और साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। हस्बैंड भी इस टाइम पे आ चुके हैं और बाहर भी हो रही है जोरों की बारिश, तो हस्बैंड थोड़ा सा भीग गए हैं, तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ और वही मसाला चाय जो मैंने मसाला आप सभी के साथ शेयर किया है, चाय का मसाला कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर बस गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। गुड़ वाली चाय ना बहुत अच्छी रहती है, सेहत के लिए भी अच्छी रहती है और टेस्ट में भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। तो यहाँ पर फटाफट से अपनी चाय वगैरह बना लेंगे और सुबह सुबह जल्दी ही हमारे यहाँ मेहमान आ जाएंगे तो आप सबको मिलवाऊंगी इसी वीडियो में, और इसलिए मैं अपना जो भी काम है जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर ताकि रात में ना सोने में ज़्यादा देर ना हो, जल्दी से मेरे सारे काम हो जाएं। और मुझे और भी तैयारियां करनी थी, हमारे यहाँ होना है श्राद्ध, तो श्राद्ध का जो भी और तैयारियां करनी थी, कुछ सामान वगैरह लेकर आना था, तो वही शाम को थोड़ा सा मैं वही करने लगी थी। और सामान जो इधर उधर रखा हुआ था सभी को, कुछ घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, उन सभी को मैं व्यवस्थित करने लगी थी, क्योंकि जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर उनके साथ ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता खाना वगैरह बनाना और घर के जो नॉर्मल से काम होते हैं ना बस इतने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो वही मैंने सोचा कि आज ही मैं अपना जो भी तैयारी है वो सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। और बस मैं सारे काम में बिजी हो गई थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे ना कपड़ों में प्रेस करना है बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में, तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर ही हो गई थी, लगभग 9:30 बज गए थे, तो बच्चे सोने ही जा रहे थे, मतलब सबका यहाँ पे जो भी खाना पीना वगैरह हो चुका था और बच्चे साइड में लेटे हुए थे, तो मुझे अचानक से याद आया और अन्या ही मुझे याद दिलाई, बोली मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ रखी है, तो मैं देखी तो यूनिफॉर्म में प्रेस नहीं हो रखी थी,
तो मैंने बोला चलो जल्दी से फटाफट से अभी कर देती हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़ों को लेकर के बैठ गई हूँ और ज़्यादा नहीं करूँगी सारे यूनिफॉर्म में, बस एक एक ही जो दोनों को कल पहनना है। ज़्यादा करने लग जाऊँगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही यूनिफॉर्म में प्रेस किया है मैंने। और फिर जो भी सुबह मुझे सब्जी बनानी है उसको कट करके रख दी है मैंने, पत्ता गोभी की सब्जी। और ये है सुबह का टाइम, तो यहाँ पर जो है बच्चे अभी स्कूल जाने ही वाले हैं, सब्जी मेरी बन चुकी है और मेहमान भी आ चुके हैं इस वक्त सुबह सुबह ही। और यहाँ पर मैं नहा करके अपना जो भी है मेरा रेगुलर का रूटीन, घर की साफ़ सफाई करके और फिर नहा करके किचन में आना, तो वही मैं यहाँ पर अपना जो भी सब्जी पराठा वगैरह है बना ले रही हूँ। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने किचन को साफ़ किया और सुबह के जितने भी बर्तन थे नाश्ते के उन सभी को क्लीन कर लिया है, जो भी मेरा सुबह का काम होता है। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह क्लीन करके आ चुकी थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आजकल मेरा जो रूटीन है ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी ही चल रही हूँ। मेरा जो भी वीडियो जैसा भी आ रहा है उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा। और शाम से मेरा वीडियो स्टार्ट है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा वीडियो कब से शुरू होगा और कब जा करके ख़त्म होगा। कंटिन्यू जो है मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मूंग की दाल भिगोने के लिए रखी थी। ये मूंग की दाल ना खड़ी मूंग है, मतलब ये दाल नहीं है, खड़ी है। कल जब मैंने किचन की सफाई की थी तो उसमें एक डिब्बे में मुझे मिल गया था, तो वही मैंने सोचा मैं इसको भिगो के रख देती हूँ तो सुबह थोड़ा सा स्प्राउट खाने के लिए हो जाएगा। और या फिर मैं सब्जी भी इसका बना लूँगी, क्योंकि अगर डब्बे में रखा रहता है मूंग वगैरह तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कल मैं इसको भिगो के रख दी थी तो ये थोड़ा सा फूल गया है, और अब सोच रही हूँ कि कल तो घर में श्राद्ध है तो कल हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। तो अभी ये जा रहा है फ्रिज में, और मैं भी अपना जो खाने पीने की तैयारी थी वो सारा कुछ करके और फिर आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो पानी इस समय ना नहीं बरस रहा था, बारिश जो है बंद थी, लेकिन फिर भी लग रहा था देख करके कि बारिश होगी। डरते डरते ही आज मैंने ये काम किया है। और वैसे भी जब मैं ये सारे कपड़े डाल करके आई ना तो 10-15 मिनट के बाद जोरों से होने लगी बारिश, तो फिर से मुझे दौड़ना पड़ा छत पे, फिर बारिश निकली, फिर मैं गई। ऐसा मुझे आज 2-3 बार करना पड़ा, तो आज मैं तो परेशान ही हो गई बहुत ज़्यादा। नीचे भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ आ चुकी हैं आज और मेरे भांजे आए हुए हैं, तो जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो कपड़े भी ज़्यादा निकल आते हैं सभी के, तो वही मैं इसलिए छत पर लेकर के आई हूँ। और जैसे 3-4 लोग के रहते हैं कपड़े, जो हम लोग के रेगुलर के कपड़े होते हैं ना, तो वो कपड़े तो सूख जाते हैं जो हमारा रोज़ का रहता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर छत में ही आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर यहीं पर छत में ही थी, धूप ले रही थी, बाल सुखा रही थी, क्योंकि धूप हल्की हल्की निकली थी ना तो अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब कपड़ों का जो काम है वो हो चुका है, और चलिए अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने मम्मी जी के पैरों में तेल लगा रही थी, थोड़ा सा मालिश कर रही थी, क्योंकि वो आई हैं रात के सफ़र से, तो उनके जो पैर है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो पैर तो दबाई रही थी, साथ में बातें कर रहे थे हम लोग ज़्यादा, बहुत दिन के बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें हो रही थी हमारी। और मम्मी हमारी लेटी हुई थी, उनको थोड़ा सा नींद आ रही थी, जब पैर दबा रही थी तो उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी रात भर में और पैरों में ना सूजन भी आ गया था, तो वही मैं गर्म करके लेकर आई थी सरसों का तेल और उसी से थोड़ा सा मसाज कर रही थी। तो ये सूजन वैसे सफ़र की वजह से हुआ है, दूर के सफ़र से आई हैं इसी वजह से सूजन हो गया है, और थोड़ा देर बस से आराम करेंगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग के कमेंट आते हैं कि दी आप वीडियो थोड़ा और भी बड़ा बनाया करिए, तो मैं भी कोशिश करती हूँ वीडियो को और भी बड़ा बनाने की, थोड़ी और बड़ा बन जाए, लेकिन क्या करें कभी कभी जैसे ज़्यादा बिजी डे होता है ना हमारा, तो बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाता, इसकी वजह से वीडियो बस थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने। तो चलिए ठीक है, कोशिश करूँगी इस समय कि वीडियो मेरा जो बड़ा बने। और आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम हो गया है,
शाम बहुत ज़्यादा ही हो गई थी आज। मैं चली गई थी फिर से मार्केट, क्योंकि इसके अगले दिन है श्राद्ध, तो मार्केट चली गई थी सब्जी लेने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस वही ले कर के आई थी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पूरे बरामदे में जो है सब्जी और जो सामान मैं ले कर के आई थी वो सारी चीज़ें यहाँ फैली हुई थी। तो ये हमारी सासू माँ, आप लोग मिल लीजिए। वैसे वो आ नहीं रही थी कैमरे के सामने, लेकिन मैंने ही बोला कि बस थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो मेरी मम्मी जी हैं ये सासू माँ, और ये लग गई हैं मेरी जिम्मेदारियों में। तो बोल रही थी तुम खाना बना लो और मैं जो भी है अपना बैठे बैठे ये जो फैला हुआ ना सामान इन सबको रख देती हूँ, सब्जी वगैरह। तो अच्छा लगता है ना जब ऐसे आपको ही मदद करता है। तो मेरा हाथ बटा रही थी भाई, जो मेरे काम है ना, मेरी जिम्मेदारियाँ मतलब मम्मी जी मेरी संभाल नहीं आते। और यहाँ पर बस मैं भी थोड़ी सी बैठी थी, बैठी नहीं थी, मेरा भी हाथ चल ही रहा था। सुबह का भी जो तैयारी था, कल श्राद्ध भी है और बच्चों का स्कूल भी है, तो बहुत सारा काम था। तो मैं सुबह की भी तैयारियां कर रही थी, सुबह की बच्चे क्या लेकर के जाएंगे, और अभी जो है अभी मुझे क्या बनाना है वो सब भी देख रही थी। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था ये सारा काम करने में, खाना बनाने में। तो वही मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर हस्बैंड बोले कि ऐसा करो सोया बड़ी की सब्ज़ी बना लो। सोया बड़ी रखा हुआ था, इसको फिर जल्दी से अगर ख़त्म ना करो तो ख़राब होने का चांस रहता है। तो चलिए अभी बना लेते हैं सोया बड़ी की सब्ज़ी। यहाँ पर बड़ियों को ना मैंने अच्छे से भिगो लिया था पानी में, गुनगुने में, और इसका सारा पानी निचोड़ करके और मैंने ऑयल में जो है थोड़ा सा भून लिया है, थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ज़्यादा ऑयल डाल करके, और जो आलू है ना उनको भी फ्राई करके निकाल लिया है। और चलिए अब इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा जीरा, राई, मेथी सब कुछ डाल करके और तड़का लगाया है, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद इन सभी पेस्ट को डाल देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे ये टमाटर की प्यूरी। तो 3 से 4 टमाटर को मैंने बारीक पीस लिया है, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो ये जो ग्रेवी है पक रही है, और इसमें चलिए थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस इतना ही ऐड करूँगी। ज़्यादा हैवी मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि रात का खाना है तो थोड़ा सिंपल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और साथ में नमक भी मिला देंगे। तो ये जो है सारा मसाला पक जाएगा, जैसे ही ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो इसमें हम ये बड़ी और आलू को डाल करके चला देंगे। और जैसे मसाला पक गया है तो बड़ी और आलू को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, 2 मिनट के लिए, और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और ये है मेरी अब सोया बड़ी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी फ्रेंड्स, और चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।